हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम बीहाई बुक एंड दिस पार्ट इज अबाउट उस्ताद बिस्मिल्ला खान। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। तो एज वी नो दैट उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अ फेमस सहनाई प्लेयर इन इंडिया। ही इज अ लीजेंड। He played the Sahnai on the day India got independence, 15th August 1947, at the Red Fort before the Prime Minister of India, Mr. Nehru. Before that, Bismillah Khan played the Sahnai in different temples in Varanasi, Banaras. So Bismillah Khan was a renowned or famous Sahnai player that our country has ever produced. He was also acclaimed with many awards. He has also got the highest civilian award of our country, Bharat Ratna. So this story is about such a great legend of music. So now I will explain each paragraph in English, Hindi both, along with difficult words. So listen to me carefully and note down difficult words in your notebook. Paragraph 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called Pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने एक वाद्य यंत्र था जिसको पुंगी कहते थे, उस पर रोक लगा दी थी। शाही दरबार में उसको प्ले करने पर रोक लगा दी थी क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो बड़ी ही कर्कश, श्रिल, वेरी शार्प, अनप्लीजेंट, दैट वी डिसलाइक, वी डू नॉट लाइक। उसकी आवाज बड़ी कर्कश थी, भद्दी आवाज थी उसकी। तो बैंड का मतलब हुआ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। पुंगी इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रॉयल का मतलब होता है नॉबल, एरिस्टोक्रेटिक, श्रिल का मतलब होता है वेरी शार्प, और अनप्लीजेंट वैसी चीजों को बोलते हैं दैट वी डिसलाइक, दैट वी डू नॉट लाइक। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जितने भी रीडेड नॉइज मेकर्स थे, नॉइज मेकर्स यहां पर बोला जा रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, और रीडेड बोला जाता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट, इटीसी। बांसुरी और उसके जैसे जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उन सबको रीड बोला जाता, रीडेड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जेनरिक नेम किसी खास क्लास और ग्रुप को सामान्य तौर पर जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से पहचाना जाता है, उसे जेनरिक नेम बोला जाता है। तो जेनरिक नेम हुआ ए नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। रीडेड नॉइज मेकर्स किसको बोला जा रहा है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, क्लैरिनेट, ईटीसी। तो उस समय जितने भी इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट थे, विंड इंस्ट्रूमेंट, सबको पुंगी के नाम से जाना जाता था। उनका एक उस क्लास के जितने भी उस प्रकार के वाद्य यंत्र थे सबको एक कॉमन नाम दे दिया गया था, पुंगी।
फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। भाई बादशाह औरंगजेब ने जब इस पर बैन लगाया था तो बाद में कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन इसे जरूर रिवाइव किया जाएगा। हिंदी में एक शब्द होता है पुनर्जीवित, रिवाइव का वही मतलब होता है। ब्राउट बैक टू लीव, रिवाइव्ड हुआ, ब्राउट बैक टू लीव, हिंदी में बोलते हैं पुनर्जीवित। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पोंगी। एक नाई था जो कि उसके जो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ पे बहुत सारे संगीतकार लोग थे, उसके पूर्वज भी कई संगीतकार थे, उसके पीढ़ी वाले भी कई संगीतकार लोग थे, म्यूजिशियन लोग थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, अर्थात म्यूज़िक उनका पेशा था, उनका काम था, उनकी रोजी रोटी का जरिया था। जिसका शाही महल में आना जाना था उसने तय किया था कि मैं इस पुंगी के साउंड को सुधार करूंगा, इंप्रूव करूंगा। टोनल क्वालिटी का मतलब साउंड हुआ। उसको लगा कि वाकई ये बड़ी कर्कश आवाज है इसकी, तो उसने तय किया कि मैं इसमें सुधार करूंगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप लिया था जो प्राकृतिक तरीके से एक ऐसे किसी पेड़ की तना का भाग था, स्टेम का पार्ट था, ब्रांच का पार्ट था, जो प्राकृतिक रूप से अंदर से वो खोखले होते थे, हॉलो, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली होना, खोखला होना, जो कि पुंगी से लंबा भी था और चौड़ा भी था, और उसमें उसने 7 अलग अलग होल कर दिए, छिद्र कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो 7 होल्स थे, बारी बारी से क्लोज करके फिर ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, तो उस इंस्ट्रूमेंट से एक बड़ी ही मधुर और मीठी आवाज उत्पन्न हो रही थी। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, बड़ी प्यारी सी आवाज उसमें से जनरेट हो रही थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इंप्रेस्ड। उसने जब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में बजाया, प्रत्येक लोग उसके प्रति आकर्षित हुए, इम्प्रेस हुए, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगा था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। भाई इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से तो काफी अलग था, इसको एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहा जाता है कहानी के तौर पर, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। पहली बार इसे शाही दरबार में, शाह के दरबार में अर्थात बादशाह के दरबार में इसे प्ले किया गया था एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस शुभ चीजों को बोला जाता है। शहनाई की धुन, इसकी आवाज शुभ मानी जाने लगी। ऑस्पिशियस को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। शुभ चीजें उन्हीं को बोलते हैं जिनसे कुछ अच्छी चीजों का हमें एहसास होता है। शगुन उसी को बोला जाता है, शुभ शगुन है, कुछ बढ़िया हो हमारे किस्मत में, हमारे फ्यूचर में अच्छी किस्मत आए, उसी को ऑस्पिशियस, वैसी चीजों को ही ऑस्पिशियस बोला जाता है।
तो शहनाई की धुन को बड़ा शुभ माना जाने लगा, शुभ शगुन माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज अ स्टील प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इस वजह से शहनाई को मंदिरों में बजाया जाने लगा। ये मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर का। और ये नॉर्थ इंडिया की किसी भी शादी का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया, इंडिस्पेंसिबल। हिंदी में एक शब्द होता है अभिन्न, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडिस्पेंसिबल मीन्स समथिंग विच इज नेसेसरी। इसका इजी मीनिंग यही होगा, समथिंग विच इज नेसेसरी। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पुराने समय में शहनाई जो था वो नौबत का एक हिस्सा होता था। नौबत का मतलब होता है ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। शाही दरबार में, राजा महाराजा बादशाहों के दरबार में जो विशेष नौ प्रकार के वाद्य यंत्र होते थे, शहनाई भी उसी का एक हिस्सा हुआ करता था। इतनी महत्ता बढ़ गई थी, इतना महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट हो चुका था। हर अवसर पर शहनाई को प्ले करना शुभ माना जाने लगा था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. हाल फिलहाल तक शहनाई को मंदिरों और शादियों तक ही सीमित माना जाता था, केवल वहीं इनका प्रयोग किया जाता था। इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्तर तक ले जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को जाता है, श्रेय अगर किसी को जाता है इसका श्रेय, तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही थे। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष के एक बालक के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के प्राचीन रियासत डुमराव में एक छोटे से तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। स्टेट यहां पर बोला जा रहा है रियासत को, जागीर को। तो प्राचीन बिहार के डुमराव के प्राचीन रियासत के में एक तालाब के पास करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। इट्स क्वाइट हैवी, अ प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा। नियमित रूप से वो पास के बिहारी जी मंदिर में एक भोजपुरी फोकलोर होता है, लोकगीत होता है चैता, जिसको वो गाने जाते थे। और चैता के इंड में आखिर में 1.25 kg का, किलो का एक बड़ा सा लड्डू वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो उनको इनाम के रूप में देते थे। तो लड्डू इज अ टाइप ऑफ स्वीट, फेयर सेप्ट स्वीट, मीनिंग ऑफ जानते हैं एक मिठाई होती है। अब अगर मैं कहूँगी इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, तो स्फेयर शेप्ड स्वीट्स दैट इज कॉल्ड लड्डू। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ये घटना